अम्मा के साथ जा फिर जा जा अम्मा के साथ बंद कीनो ना पापा को फिर ऑन फिर आला बाद में बुबू जी का हुन को एक एक का लंबर पे तो अब कह हैं इनेर भे उमेर तो हल्द्वानी जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो बुबू के वहां से ले लिए हैं काफल और ये हैं काफल बेचने के लिए आए हुए हैं। कदू बेचा ली बुबू रत्ते पे हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सो दिन की शुरुआत होगी अपने घर से और तैयारी हो चुकी है हल्द्वानी जाने की। तो दो दिन मैं घर में था और अब टाइम आ चुका है हल्द्वानी जाने का। तो चलते हैं धीरे धीरे करके हल्द्वानी की ओर। तो सुबह सुबह का टाइम ही नहीं, अभी कल आज सुबह के टाइम 3 बजे से 5 बजे तक खतरनाक बारिश हुई है पहाड़ों में। ये देखो एक ओखल पूरी बारिश हो रखी है। चलो करते हैं तैयारी अब। मैं जो आप ड्यूटी में हमारा रुपया भेजते रहे ठीक ठीक छे ठीक छे। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद हल्द्वानी को, नाश्ता यहीं करके जा रहा हूँ और सामने धूप आ भी गई। क्या करीने यही रही ने बे? कहीं रोज़ दुकान करने आजा रुद्रान। रुद्रान से हबीर यही भरे यहाँ क्या करेगा तू? यहाँ कल ध्यान से करना, घूमने जाना, ग्वाला जाना। ओ देख पुशु आगे, देख पुशु आगे, अम्मा के साथ बुढ़ी अम्मा के साथ रहना, बुबू के साथ रहना, ठीक है? फिर हल्द्वानी को कब आएगा आप? बाद में जब गर्म कम हो जाएगा। आओ आओ चलो उदू जाओ। बाय बाय, पापा के साथ जाना है, जाना है। बाय बाय भाई ना यार, अरे चांदनी जिसका हुआ है हिलुआ कल, ये पट्टी ये कल ही ब्याह रखी है, ये हिलुआ हुआ है। ये है रुद्रान से हम ही ढलवणी जय कर दे। गरम होना पापा को फिर ऑन फिर आला बाद में बुबू जी का हुन को एक एक का लंबर पे तो अब कह बैठ जी बाबू घर होने उठा होने हल्दड़ी होने इन भाई चुल लोगो चुल लोगो ना नोता रहा। अच्छा बुआ को ले आ, हम बुआ के हो बुआ को ले आ, पीयूष को ले आ, पंकु को ले आ, जागर लगाओ जागर लगाओ जमा को ले आ। चल बा आ जा पापा के पास जा, आ जा जा पापा और तू आ हजरी आ कौन ना गिरे मनु ना मद मनु ने आओ वो आरोन ताज बाय बोल दे, बाय बोल दे, सबको बाय बोल दे, बाय काल है। चल अम्मा के साथ जा फिर जा जा अम्मा के साथ बल्द कुइनो बल्द अम्मा कुइनो लगी हुआ जा 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 भली का जेया हाँ हेलमेट कहाँ हेलमेट मल जैसे अच्छा भी तो ना से भाई की वो हेलमेट जो कॉलगेट ब्रूस ब्रूस ना थे लिया बे आ जा रहा हूँ ब्रूस
अब बाय। तो दोस्तों मैं जाने लग गया हूँ हल्द्वानी की ओर और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 7:30-8 बजे हुए हैं, तो मैं 12-1 बजे पहुँच जाऊँगा क्योंकि जाना भी ज़रूरी है। दुकान में कोई नहीं है, 2 दिन तो भाई था दुकान में, अब कोई नहीं है, वो ड्यूटी भी जाना है उसको। तो चलते हैं, अब आएंगे अगले महीने घर। और यहाँ तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, अब देखते हैं हल्द्वानी में कैसा हो रहा है मौसम। गर्मी तो हुई होगी पर बारिश का असर तो कुछ न कुछ हो गई। अब ऑन अगिल महल है पहला और ठीक ठाक। बाय बाय। हाँ ये देखिए पहाड़ों का मौसम, यहाँ से दिख रहे साफ, और बारिश ने तो 4 चांद लगा दिए हैं। जब से बारिश हुई तब से जंगलों की आग भी ख़त्म होगी और जो धुंध थी वो भी ख़त्म होगी, और धीरे धीरे पेड़ भी हरे भरे ज़्यादा होने लग गए, हरी घास भी होने लगी। अब तो पहाड़ों में हरियाली छा जाएगी चारों ओर। चलो जी चलते हैं। तो हल्द्वानी जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर एक समय होता है तो मजबूरियाँ खींच के ले जाती हैं। वो सबके साथ होता है, कोई जॉब के पर्पज़ से जाता है, कोई सब लोग अपने रोज़गार के लिए ही बाहर जाते हैं। हमारे पहाड़ों में इतना रोज़गार नहीं है। और चलो मैं तो कम से कम हल्द्वानी में हूँ, लोग बाहर दिल्ली या मुंबई गाज़ियाबाद ये आपके चंडीगढ़ इस साइड में जाते हैं, बहुत टाइम भी लग जाता है, 2-3 दिन का ट्रेवल समय लग जाता है उनको जाने में। तो मैं तो 3-4 घंटे में पहुँच जाऊँगा, पर फिर भी अपना गाँव तो गाँव है, मन तो किसी का नहीं करता है। ये दोस्त हमारा गांव पूरा, तो यहाँ से घर है ऐसे, इधर है बुखोलियाँ वाल बुखोई पार बुखोई, उसके बाद ये है हरू का मंदिर और लास्ट में हमारा घर। दोस्तों घर से 20-25 किलोमीटर आगे आ गया मैं हल्द्वानी की ओर, और ये गांव जो है ये है बुघाण, और आगे खामिरोली, यहाँ पे बुघाण, और मैं जा रहा हूँ ऊपर मेन रोड में। तो वो जो दिख रहा है वो द्योनाथल है, तो वहीं से मेन रोड है हल्द्वानी से, जो पिथौरागढ़ वाली गाड़ियाँ चलती हैं तो इसी रोड में चलती हैं मेन रोड में। तो मेरा बाइक का पीछे के टायर पंचर हो गया है, पंचर तो क्या हुआ, हवा निकल गई इसकी, तो ट्यूबलेस टायर है। तो अब धीरे धीरे करके चलते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई है, यहाँ तो कोई है नहीं दुकान हवा डालने वाली, तो इस पर हवा डालेंगे उसके बाद चलेंगे हल्द्वानी की ओर। ये देखो ऐसे खड़ी चढ़ाई है ना ऊपर की ओर, और मौसम तो चलते हैं धीरे धीरे करके हल्द्वानी की ओर। तो ऐसा भी हो ही जाता है कभी, अगर आप गाड़ी से हो तो टायर पंचर हो जाते हैं, आजकल तो ट्यूबलेस टायर चल गए, थोड़ा बहुत चली जाती है। तो अब चलते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर द्योनाथल, वहीं इसको सही करवाएंगे। तो अगर आप पहाड़ों में आते हैं टायर हवा स्वेटर सब रख के लाएँ, अपनी गाड़ी अच्छे से चेक करके लाएँ। चेक करके तो मैं भी लाया था क्योंकि यहाँ हो ही जाता है ना। तो रास्ते में मुझे कहीं भी नहीं मिली दुकान, अब आ गया मैं लमगड़ा करवा रहा हूँ, पंचर हो रखी है पीछे का टायर, पंचर हो रखा है, पंचर बनवाना है। तो 2 किलोमीटर लमगड़ा की साइड आया मैं, जबकि मेरे को जाना था डोल आश्रम की साइड को तम आगे, और यही लमगड़ा है, हमारा ब्लॉक भी यही है लमगड़ा, ये यहाँ से आगे को लमगड़ा मार्केट शुरू है आगे, जो ये दिख रहा है ना पहाड़ी, इसके बाद पूरी लमगड़ा की मार्केट है, ये भी पूरा लमगड़ा ही क्षेत्र है। बुबू के वहाँ से ले लिए हैं काफल, और ये है काफल बेचने के लिए आए हुए हैं। कौन भेज ली बुबू रत्त पे 4-5 किलो, 5 किलो काफल बेच दिए बुबू ने, और 300 रुपये किलो मिल रहे हैं लमगड़ा क्या जिला नाम छणोजा लमगड़ा बैंड पे, इधर का नाम है छणोजा, ये वाली रोड गई है लमगड़ा को, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ।
तीन घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली पहाड़ों से शहर की ओर और मैं पहुंच गया भीमताल। और यहां से है अब 30 किलोमीटर आगे हल्द्वानी, ये है भीम। फाइनली पहुंच गया घर, टाइम हो गया 12:30 और दुकान में था मैं अभी तक 12:30 दुकान में पहुंचा। घर आते आते टाइम हो गया 2 बज गए हैं। 500 के लिए वो लाया हूँ मैं, 500 के लिए लाया हूँ, एक चीज लाया हूँ प्रियांशु, पहला को प्रियांशु ये लाया हूँ बस पहला ये भर के लाया था मैं काफल, सब खा लिए अब इतने ही बचे हुए हैं। कैसे हो रहे हैं फिर, कैसे हो रहे हैं काफल लेके आया हम, सब खा रहे हैं देखो। प्रियांशु कैसे हो रहे हैं, प्रियांशु ना इनको धो लेते हैं फिर खाते हैं धो के नहीं ऐसे खाते हैं ये, कोई वो वाले फल नहीं है। हाँ फिर